ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज का इस मनन चिंतन, मुरली मनन चिंतन सेशन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा हम सभी बच्चों को सत्य ज्ञान दिए, समझ दिए, तो आज हम लोग प्यारे बाबा का महावाक्यों का आज मनन चिंतन हम लोग करते हैं। ओम शांति जी। अतीश भाई जी, आज प्यारे बाबा का विशेष पॉइंट। भाई बहनों को ओम शांति। शांति भाई जी। बाबा बोले हैं, हर काम में योग बल से काम लो। बाबा से पूछने की बात नहीं, तुम हो बड़े संतान, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। दूसरी बात बाबा बोले हैं कि योग बल से ही कर्म इंद्रियों को वश में कर सकते हो, योग बल के बिन सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। वरदान में जो बच्चे ज्ञान के गहराई में जाते हैं, अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी रूपी से संपन्न बनना, जिसको माया कुछ भी हिला नहीं सकता। माया हिला नहीं सकता, जो बच्चे अनुभवी होंगे उन्हें माया हिला नहीं सकते हैं। और बाबा बोले हैं कि मनन शक्ति से शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बहुत अच्छा पॉइंट आप बोले बाबा। आज विशेष जो वरदान दिए हैं मनन शक्ति, ज्ञान रत्नों, बाबा कहते ज्ञान रत्नों का मनन करने से अनंत गहराई, बाबा कहते अनुभवों का होता, अनुभवों का खान, अनुभवी मूर्त बनो। इस पर बहुत सुंदर आप पॉइंट बोले, बहुत सुंदर प्यारे बाबा का महावाक्य हम सभी बच्चों को सुनाए हैं और पॉइंट बहुत सारा है, मनन चिंतन करेंगे जी। सिस्टर जी, ओम शांति भाई जी। जी जी, ओम शांति। बोलिए ओम शांति। ओम शांति सभी को। आज बाबा ने कहा है कि योग बल से ही हम सृष्टि को पावन बनाते हैं और हम खुद भी पावन बनते हैं इससे, तो इसलिए युक्ति से चलना है और नम्रता से व्यवहार करना है। युक्ति से चलना, बहुत अच्छे पॉइंट बाबा बोले, नम्रता से व्यवहार करना है जी। जी, व्यवहार से हम लोग से व्यवहार ही मेन योग बल है। पहले ज्ञान मिला तब हम लोग योग बल में हम लोग देख सकते हैं, तो इसलिए बोले है कि मेन अभी शुद्ध खाना है पीना है, योग में बैठे है तो मैं तो शुद्ध खाना है। अगर वही नहीं होगा तो हम लोग से दूसरे लोग कैसे सीखेंगे, क्या बोलेंगे। सही बात है, सात्विक भोजन आज बाबा पूरा फोकस्ड किए हैं, शुद्ध भोजन। हमें बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में रहकर के भोजन करना है। हाँ, और व्यवहार कैरेक्टर तो व्यवहार बहुत नम्र चित्त वाला होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो बाबा बोले फूल उसके सामने वर्षा करो। ये बहुत बड़ी मन की स्थिति होती है कि कोई क्रोध कर रहा, कोई झूठ बोल रहा, कोई इंसल्ट कर रहा है, आप उसके ऊपर में फूलों की वर्षा करें। भगवान की इतनी ऊंची दृष्टि है, तो हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर बाबा के समान बनना है जी। अशोक भाई जी, इसमें आप क्या बोलेंगे? बाबा बोले क्रोध करे जो उसके ऊपर फूल की वर्षा करो, और व्यवहार सारा नम्रता वाला होना चाहिए। वही तो उसके तो बाबा आज बोले हम सब क्या है, पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थी है ना, तो हम भी हम सब तो जो अभी क्या है, जो भी हम ब्राह्मण परिवार में जुड़े हैं सब पुरुषार्थी हैं, सबके अंदर विकार है ना, विकार को धीरे धीरे खत्म करना है। तो ये विकार धीरे धीरे ही खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, योग बल के द्वारा। तो ये जो योग बल है, बाबा के याद की यात्रा में रहेंगे तो क्रोध भी आएगा, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा,
कनेक्शन किसके साथ रहेगा, सुप्रीम सोल के साथ में, गॉड के साथ में। तो हमारा ये जो छोटी छोटी जो छोटी छोटी बातें हैं, क्रोध है, जैसे अभी आज बाबा ने बताया कि जब आप व्यवहार कार व्यवहार में जाते हो तो वहाँ आंख भी दिखाना है, वो आंख दिखाना डांटना आपकी स्थिति खराब नहीं होना है, आप अपना काम करने के लिए जरूरी है सब चीजें, जितना हो सके प्रेम से करो, प्रेम से हो जाए तो सब 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 जाके आंख दिखाओ या डरवाओ या क्रोध करो, मगर क्रोध ऐसा ना करो जैसे कि आपकी स्थिति ही बिगड़ जाए, आपकी आपकी जो योग बल जो जमा हो रहा है पूरे दिन का, अमृत वेला में आपने उठा, बाबा से शक्ति लिया, जैसे शक्ति लिया आपने योग बल जमा किया, दिन भर गए बाहर में, किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत डिस्टर्ब हो गए, गाली शुरू कर दिए, गुस्सा करना शुरू कर दे, अब जो जमा अमृत वेला में लिए थे शाम को पता चला कि हम निगेटिव में चले गए, तो ऐसा नहीं करने की बाबा ने आज रूहान का जमा होते बाबा से अमृत वेला के टाइम होते हैं, जब भी अमृत वेला उठे आप, ऐसे जरूरी नहीं चार बजे नहीं उठ पाए, जैसे आज ही मेरे आज में 10 मिनट लेती हुआ 15 मिनट लेट हुआ, जब भी आप उठे उठ के श्री बाबा से गुड मॉर्निंग, बाबा से शक्ति पीने लेना है, जिसके साथ जिस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब बन रहा है वो प्रैक्टिस करना है, उसको शांति देना है, जो देना है बाबा ने बोला जो क्रोध करे फूल दे दो, उसको वर्षा दे दो, जो चाहिए उसको दे दो। क्रोध क्यों किया, क्योंकि उसके अनुसार क्रोध के बाबा ने अभी 2 दिन पहले बताया, दो ही कारण है, या तो आपको झूठ बोलता है या आपके अनुसार उसने काम नहीं किया है ना, बाबा ने क्रोध के दो रूप बताया था अभी कुछ दिन 2-3-4 दिन पहले, दो कारण बताए थे, इसीलिए क्रोध किया उसको जो चाहिए दे दो, तब दे सकते हैं हम बाबा से अमृत वेला के टाइम पे। तो हम सभी बच्चों को ये अभी ऐसा अभ्यास करना है, हम सब अभी क्या है नंबर वार हमें पद मिले। और दूसरी बात बाबा ने बोला कि सबको स्वर्ग में, तो जिसने कुछ भी सुन लिया ना ये ज्ञान स्वर्ग में तो जाएगा, बस स्वर्ग में सबको जाना है, सबको जाएंगे, परंतु सब बच्चे जानते हैं कि जैसा पुरस्कार करेंगे तब कुछ पद पाने के लिए तो पुरस्कार तो करना पड़ेगा, हम सब बच्चों को पुरस्कार करने के लिए क्या करना, हम योग बल की याद की यात्रा को हमें हर समय हर दिन बढ़ाना है, उसको घटाना नहीं है। आज बाबा ने यही सब बात पर ध्यान दिया है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। जी अरविंद भाई जी, ओम शांति। बाबा का पॉइंट ओम शांति जी। हाँ, परम पिता परम पिता परमात्मा पवित्र पावन बनाना है, हमें न्याय देकर हमेशा पवित्र पवन बनाना चाहते हैं, तो वही ज्ञान देकर अपने जीवन में उतार कर अपनी जीवन का कर्तव्य करना है, वही ज्ञान का उपयोग करना है, और शिव बाबा का नाम देकर लेकर खाना बनाने समय जी खाना समय बनाते समय परमात्मा को याद करना है। बहुत सुंदर पॉइंट आप बताए, सबसे मुख्य पॉइंट आप बताए कि पवित्र बनना है, खाना बनाते समय परमपिता शिव बाबा को याद करना है। चलिए बहुत सुंदर आज का मनन चिंतन, बहुत प्यारा, बहुत मीठा, बहुत अच्छा लगा आज प्यारे बाबा का। दिन भर हम सभी मनन चिंतन करेंगे, क्रोध नहीं करना है, नम्रता पूर्वक व्यवहार करना है, भोजन करते समय प्यारे बाबा को याद करना है ना, और जो है ये प्यारे बाबा बोले दैवी गुणों धारण करना है। चलिए बहुत सुंदर, हमारे अशोक भाई जी फिर से कुछ पॉइंट बोलिए भाई जी। हाँ, हमने कभी विचार सागर मंथन कर लिया है, हम आज बाबा का श्रीमत है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, हम सभी यहाँ पे जो भी भाई बहन माताएं आती हैं, जो ड्रेस के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, ड्रेस जो है पूरा है ना, जो भाई हैं भाई फुल बाजू के शर्ट पहने है ना, बहने हैं तो फुल बाजू के ही पहने, क्योंकि बाबा का ये कार्य है ना, तो बाबा बोलते हैं कि जो भी है